स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। हम हमारा 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर को कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर को कर रहे थे, जिसका नाम था रियल नंबर्स। हमने रियल नंबर के दो लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एच शेप निकालना सीखा था और यूक्लिडियन डिवीजन लेमा सीखा था, दोनों के दोनों लेक्चर के अंदर। आज जो है हम सेकंड पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फाइंड द एलसीएम ऑफ 196 एंड 38220। हमने इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। 196 छोटा है 38220 से, तो हम क्या करेंगे, 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से। किस पर गया, 1 पर। 196 क्या रिमेनिंग, 6। इधर से कितना रिमेनिंग, 8, क्योंकि एक कैरी ले गया, यहाँ रह गया 7 और 70, 70 में से 9 गए 8। उतारा हमने 2, किस पर गया, 9 पे। 9 6 54, 5 9 81, 81 और 5 86, 9 1 9, ये भी बचता है एक कैरी, एक। 9 6 54, 5 9 81, 8 86, ठीक है 8, 9 1 9, और ये कितना हुआ 17, ये हुआ। अब ये कितना 8, ये कितना 9, उतारी 0, कितने पर गया 5 पे, ये कितना आएगा 980, कितना बचा रिमाइंडर 0। यानी कि इस 196 ने इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो हमें ये आगे पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर 2 बचता, 4 बचता, 6 बचता इस नंबर के बाद, तो इधर वो यही निशान लगाते और 196 इसके अंदर रखते, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये आ गया। अब हमारा इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा क्या कहता था, याद करो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर होता था। तो हमारा ए यहाँ पर कितना है, ये वाला नंबर है, तो ये तो मैंने वैसे ही लिखा है, यानी कि 38220 इक्वल टू, अब वैल्यू रखेंगे बी की। बी की वैल्यू कितनी है, 196, क्यू की वैल्यू 195 और प्लस में 0। ये तो हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहीं पर लिख देंगे सोल्व। अब देखिए किसने इसको कंप्लीटली डिवाइड किया, इस नंबर ने, तो इसलिए एच सी एफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ये हमारा आंसर हुआ। थर्ड पार्ट जो है हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का, उसको सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 आर 6q+5। हमें ये शो करना है। यहाँ क्यों के स्थान पर वो एम बी लिख देगा और आगे क्या कह देगा, वेहर क्यू इज ए इंटीजर, एम बी लिख देगा और एम के बारे में कह देगा वेहर एम इज एन इंटीजर। सॉल्व, लेट ए
बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल टू सिक्स, बी हमारे पास सिक्स है, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम इन दोनों दो नंबरों पे ए और बी, बी का मतलब सिक्स पर क्या लगा दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते ही ए क्या बनेगा हमारा, ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस में आर, वेयर आर जो है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 6, यानी कि आर की वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक जाएगी, यानी कि 6 से लेस यानी कि 5 तक जाएगी। 5 तक जाएगी तो आगे इफ आर इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0 यानी कि 6 क्यू। और कोई नंबर यदि 6 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, इवन। इफ यदि आर इक्वल टू 1 देन ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 1, ये हमारा इवन नंबर था। यदि इवन नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो क्या इवन का क्या बन जाएगा, ओड नंबर। इफ आर इक्वल टू 2 देन ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, 6 प्लस 2 क्यू। एक इवन नंबर के अंदर इवन नंबर जोड़ा तो आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा हमारा, एक इवन नंबर। इफ आर इक्वल टू 3 देन ए इक्वल टू 6 क्यू जमा में 3, इवन नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऑड नंबर। आगे और देखिए, इफ आर इक्वल टू 4 हो देन तब ए जो होगा हमारे पास 6 क्यू जमा में 4, इवन नंबर में इवन जोड़ा तो क्या आएगा, ये इवन नंबर आएगा। इफ आर इक्वल टू 5 देन ए इक्वल टू 6 क्यू जमा में 5, तो इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर। 0 से लेकर 5 तक हमने ये डिस्कस कर दिया, लेकिन हमें गिवन शो क्या करना था, कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, तो कौन कौन सी, और इसमें नहीं हो सकता, तो कौन कौन सी फॉर्म रह गई, इफ ए इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म सिक्स क्यू प्लस 1 ये वाला, या आर 6 क्यू प्लस में 3, या और 6 क्यू प्लस 5 टाइप का होगा। यहां हमारा क्वेश्चन अभी यहां पर खत्म हो गया।
बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था जो आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।